सदगुरु महाराज की जय। सच्चे संत अमर सिंह जी महाराज की जय। सब संतों की जय। साधको, आज मैं आपको पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताऊंगा। साधको, पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से है। पूर्णिमा हमेशा श्याम को मनानी चाहिए, क्योंकि पूर्ण कला पे होता है श्याम के समय मुहूर्त। बहुत सारे लोग सुबह मनाते हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है। और पूर्णिमा मनाने के लिए जो भी अपनी खीर पूरी जो भी बनाते हो वो मनाओ, और उसके लिए आरती करनी जरूरी होती है। जो भोग लगाते हैं तो पहले आरती करनी जरूरी होती है। किसकी आरती? पूर्णिमा उन्हीं की सफल होती है जिन्होंने पूरे गुरु बना रखे होते हैं। जिनके पूरे गुरु नहीं होते उनकी पूर्णिमा का फल नष्ट हो जाता है। पूरा गुरु कौन है? जो सूरत शब्द की साधना करता हो, यानी जो आत्मा की साधना करता हो। आत्मा की साधना करने वाले ही पूरे गुरु हैं, कराने वाले पूरे गुरु हैं, और उनके शिष्य भी पूरे हो सकते हैं अगर वे उस साधना को करते रहे। आत्मा की साधना को छोड़ के जो भी साधना है सारी की सारी कच्ची है और उनके फल नष्ट हो जाने। अब हम करेंगे पूर्णिमा की बात। पूर्णिमा में दान का विशेष महत्व है। जिन्होंने गुरु बना रखे हैं वे अगर दान देते हैं उचित जगह पर, किस जगह पर? जो आत्मा की ही साधना करते हैं उनको दान देते हैं तो ही फल मिलता है, वरना उनका भी फल नष्ट हो जाता है। तो जो साधक अक्षय फल चाहता हो, ऐसा फल जो बहुत ज्यादा मात्रा में मिले, तो पूर्णिमा को करे वो। और कब करे? श्याम के समय, दिन में नहीं। और किसको दे? जो पूरा गुरु हो या तो उसको या उसके साधक को, क्योंकि वही है नाम जपते हैं वे उस नाम को पूरे को, और वही तुम्हें आशीर्वाद दे सकते हैं। बाकी के तो झूठे आशीर्वाद है। आप किसी के पैर छू लो, भगवान बनाए रहे, ये करे रहे, वो करे रहे, इस तरह के उल्टे सीधे आशीर्वाद देते, वे आशीर्वाद नहीं लगते। क्योंकि आशीर्वाद वह लगता है जो सूरत से दिया जाए, आत्मा से दिया जाए। अब आत्मा का पता नहीं, मुंह से देने से कुछ नहीं होता भाई। तो गीता में ये लिखा है, जो किसी को अन्न दान देगा तो वो कभी अन्न के उसके भंडार खत्म नहीं होंगे, उसे प्रभु अन्न देता रहेगा। जो वस्त्र दान देगा उसके वस्त्रों की जीवन में उसे कमी नहीं आएगी। जो किसी को धन दान देगा उसका धन की कभी उसे कभी नहीं आएगी। पैसा दान देगा, पैसे की कमी नहीं आएगी। यही कटु गूढ़ रहस्य है दान का। और दान देने वाला कौन हो? जिसने सूरत शब्द का मंत्र ले रखा है, दान भी उसी को देना चाहिए। बाकियों के दान लगते ही नहीं है, देते रहो बढ़ाई के चक्कर में, मान बढ़ाई के चक्कर में दान देते रहते हैं। तो इसलिए गीता में लिखा है, पढ़ लेना, शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से जो आदमी व्यक्ति जप तप दान यज्ञ आदि करता है घोर नरक में जाता है। आप गीता उठा के देखो, इसलिए तो आपको आपकी भक्ति का फल नहीं मिलता। इसलिए पूरे गुरु से सूरत शब्द का योग सीखो, फिर अपने घर के अंदर ही अपने सारे कर्तव्य करो। अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, धन कमाना, जो भी तुम्हारे कर्तव्य करो। कौन कहता है सन्यासी बनो? और पूरे गुरु को मैंने पहचान रखा है। कोई चाहता हो भाई पूछ ले मेरे से आके, वरना मैं एड्रेस बता देता हूं। एक तो ढका में है, नाम देते जो, एक नंदाचोर में है पंजाब में, आनंदपुर में है, एक मेरठ में है, और एक हमारे ही पड़ोस में भूडपुर में है, नहर के पास, वहां पे बोर्ड लगा हुआ आत्म साधना केंद्र भूडपुर। RGI देखा होगा आपने फार्म, उसके पास बोर्ड लगा है। तो जैसे ही आप अंदर जाओगे, RGI की सीमा समाप्त, अंदर और अगला ही है,
वहां पे सतपाल जी महाराज ज्ञान देते, पूरी शक्ति है उनके अंदर, तुरंत शक्तिपात करते और अपने चालू जाएगी भक्ति। लेकिन नाम ऐसे नहीं देते वे पहले कहते भाई परख के देखो उन्हें कि वे गुरु है या नहीं, और वो भी परखेंगे कि तुम चेला बनने लायक हो या नहीं, ऐसे ही नहीं देते कि नाम दे दिया। इसलिए भाई जो अपना कल्याण चाहता है पूर्णिमा को दान दे, अवश्य दे, कम से कम कितना दे भाई, कुछ है नहीं तो एक रुपया दान दे दे, दो दे दे, शर्म आती है तो गुल्लक में डाल दे, दस रुपए दे दे। दान का विधान तो ये है जितनी कमाई है 10% देना चाहिए, लेकिन नहीं, कलयुग है तुम्हारे बहुत सारे काम होते हैं उसमें, मत दो 10%, अरे 1% दे लो। 1% नहीं दे सकते हो ना, तो हर पूर्णिमा को 50 रुपए दान दिया करो। मैं बता दूंगा कहां देना चाहिए, अरे तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, तुम देखोगे अरे ये क्या बता दिया। क्योंकि मैं हमीदपुर का हूं, मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा, पंडित हूं मैं भी, लेकिन मैं पंडितों को कभी दान नहीं देता। कारण झूठे हैं पंडित, उनके पास ये वाला नाम नहीं है, मैंने देख लिया, काल के नाम है 1,84,000 में ले जाने वाले, इसीलिए मैं पंडितों के पास नहीं जाता। पंडित कहते हम ही गुरु, कहेगा गुरु है, गुरु वो होता है जो नाम की कमाई करके ऐसे ऊपर चढ़ जाए। देखो ये लाइन चढ़ रही, जैसे ये देखो यदि करी आत्मा ऐसे ऊपर जाती है मंडलों में। तो इसलिए झूठों से बचो, दुनिया भर के झूठे हैं, और बातें ऐसी मिटी मिटी करेंगे कि तुम चाहोगे आहा पूरी जान वार दे उन पे। इसलिए भाई नकलियों से बचो और अपना कल्याण चाहो और नाम ले लो, उससे क्या होगा दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, लेना भी पड़ा तो उच्च कुल में होगा। तुम कहोगे ऐसा कैसे, जब तुम नाम लोगे ना तो तुम्हें अपना सब कुछ दिखेगा, पिछले जन्म में तुम क्या थे, अब तुम क्या कर रहे हो, हर चीज दिखाई देगी, तो तुम्हें भरोसा हो जाएगा। अब तुम नाम लेते नहीं, तुम सोचते हो गडंक है, तो तुमने कबीर का सुना है ना, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, और मैं अभागन खोजत रही किनारे बैठ। अब तुम समुद्र में मोती ढूंढोगे तो कूदना पड़ेगा ना उसमें, या किनारे पे ही आ जाएगा मोती। तो उसी प्रकार नाम लेके ध्यान लगा के सिमरन करके गहराई में अंदर जाना पड़ेगा अपने अंदर, तब प्रभु पाएंगे। जैसे उसने कहा था कब नानक जी ने, सब गट मेरा साईया सुनी सेज ना हो कोई, बलिहारी वा गट जा गट प्रगट होए। फिर आगे क्या कहा, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं, यानी जो आज्ञा में रहे वो प्यारा है, उस पे कृपा होती है। ये नहीं कि नाम ले लिया दारू पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, उल्टे काम कर रहा है ना। सबको संभाव से सोचना, ऐसी दृष्टि अंदर से आती है, संभाव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अपने आप छूट जाते हैं। ये मैंने भी तो काम छोड़ा, काम मेरे नजदीक भी नहीं आ सकता। गीता में क्या कहा था कृष्ण भगवान ने अर्जुन से, ये काम बड़ा बैरी है अर्जुन, इसे बलपूर्वक मार डाल। तो मैं सोचता था ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने देखा, मैंने अपने गुरु का नाम लिया, सिमरन किया, और मैंने काम को मार डाला, मुझ पे कोई असर नहीं होता काम का। ऐसे ही आप हो जाओगे। तो यदि आप प्रभु को चाहते हो, पूर्णिमा को दान करो और अपना कल्याण करो उनसे नाम लेके, वरना 84 में जाओगे। भगवान तो सभी है क्योंकि उसके अंश है, जैसे कल परसों ही बताया था मैंने, 5 किलो सोना है, पाइया काट लिया तो वो पाइया भी सोना रहता है। सुअर बिल्ली कुत्ता सब में भगवान है, लेकिन कवर अलग अलग है। कारण इन्होंने गलत कर्म किए, जिसने जैसा कर्म किया वो उसी जगह पैदा हो गया। अब भाई आप चाहते हो कि भाई हम भी वहीं पैदा हो जाए कर्मों के आधार पर, तो भाई तुम्हारी मर्जी। लेकिन अपना कल्याण चाहते हो तो भाई सार नाम ले लो, और सार नाम बूढ़पुर में मिलता है, ढका में मिलता है, पंजाब में नंदा चोर में मिलता है, आनंदपुर साहब में मिलता है, मेरठ में मिलता है। ऐसा नहीं है कि मेरे ही गुरु सब कुछ है, असली सार नाम, बाकी आधे नकली सार नाम दे रहे हैं। असली सार नाम की निशानी देखो, ये आत्मा ऐसे जाती ऊपर, देखो ये सुषुम्ना नाड़ी है, ये जा रही ऊपर, और यहां पहुंच जाओगे, यहां प्रभु के दर्शन होते हैं।
तो इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति। ओम शांति शांति शांति।